हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आई होप आप सारे अच्छे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अभी किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो 10वीं और 12वीं की जनरल प्रमोशन से संबंधित न्यूज अपडेट आई है और जो स्क्रूटनी से संबंधित न्यूज आई। स्क्रूटनी के लिए मैं अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जो आपको इस वीडियो के बाद देखने को मिलेगी। अभी बात करेंगे जनरल प्रमोशन से, जो 10वीं और 12वीं में बच्चे फेल हो गए थे और जिनका आप लोगों ने अभी तक कुछ बच्चों ने फॉर्म भर दिया था। जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था उनकी संख्या लगभग 6,54,000 के समथिंग थी। वो मैंने आप लोगों को एक वीडियोस में दिखा भी दिया था, बोर्ड के द्वारा जो पेपर में इशू किया गया था कि इतने बच्चे को जनरल प्रमोशन मिल सकता है। और वहाँ पे क्लियर लिखा गया था, बोर्ड के द्वारा भी ये बोला गया था कि अब आपके एग्जामिनेशन नहीं होंगे अगर लॉकडाउन हट भी जाता है। और आपको पता है कि मैंने दिखा दिया आपको, जून ही नहीं बल्कि जुलाई तक किसी भी तरह के एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे। स्कूल खुलेंगी, हालांकि 20 जून के बाद उम्मीद है कि स्कूल खुलेंगी और वहाँ पर केवल और केवल आपके एडमिशन से संबंधित प्रोसेस ही चलेंगे। तो बहुत ज़्यादा बच्चों को ये डाउट थी कि उनके रिजल्ट कब आएंगे और रिजल्ट आखिर कब आएंगे तो उनका एडमिशन कब होगा। तो देखिए, रिजल्ट आपके जो आने वाले हैं वो आप कन्फर्म हो चुका है कि आपके इस माह में रिजल्ट लगभग में ना के बराबर ही दे, क्योंकि अभी अभी जो स्क्रूटनी का प्रक्रिया है वो अब 20 तक जो लगभग में वो स्क्रूटनी की प्रक्रिया ही चलेगी और स्क्रूटनी के बाद ही ऐसी कोई संभावना है जो आपके रिजल्ट से संबंधित न्यूज आएगी। लेकिन आप लोग रिजल्ट से संबंधित टेंशन ना लीजिए, आप लोगों को पास आसानी से कर दिया जाएगा, आप लोग पास हो जाएंगे। अगर आप सेकेंड थे और आपको 30 मार्क्स से कम से कम चाहिए तो वहाँ से आप फर्स्ट भी हो सकते हैं और आपको स्कॉलरशिप के भी पैसे मिलेंगे। रही आपकी नामांकन से संबंधित प्रॉब्लम, तो नामांकन से संबंधित प्रॉब्लम भी आप लोगों को दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि पता है आपको कि बोर्ड लगभग में 6,54,000 बच्चों को जब जनरल प्रमोशन देगी तो इतना ह्यूज मात्रा में जब बच्चे आते हैं तो उसके लिए बोर्ड एक अलग से बाद में पैनल ओपन करती है जहां से आप लोग फिर से अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो और एडमिशन भी आपका हो जाता है, तो आपके साल बर्बाद नहीं होते। बहुत सारे छात्रों ने कहा था अक्सर रिजल्ट नहीं देंगे तो क्या हमारे साल बर्बाद हो जाएंगे, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं है। रिजल्ट आपके क्लैरिफिकेशन आ जाएंगे और जो न्यूज़ निकल कर सामने आएगी, जैसे कि कितने विषय में जनरल प्रमोशन मिलेगी। हालाँकि अभी तक हम लोगों को 3 विषय पता था लेकिन कुछ उलटफेर हो सकती है और नंबर से संबंधित समस्याएं चल रही है। कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये नोटिफिकेशन क्लियर हो पाएगी तो मैं बताऊंगा कि आपको कितने नंबर देंगे। हालांकि अभी तक मैं बोल रहा था कि 11 से 12 तक दे सकते हैं, लेकिन अब न्यूज़ जो आ रही है वो 14 तक आ चुकी है कि 14 तक भी दे सकती है बोर्ड। तो जैसे जैसे और क्लैरिफाई होगी मैं आपको बताऊंगा। और एक बात और कि अगर आप लोगों के कोई मित्र सगे संबंधी कोई है जिनके पास जनरल बोर्ड का मार्कशीट है तो प्लीज़ आप लोग केवल वोट कर देते हो, जनरल मार्कशीट नहीं देते हो, प्लीज़ 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 मार्कशीट दे दीजिएगा, बहुत ज़्यादा काम आ जाएगी बच्चों को। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, दिन आपका शुभ, धन्यवाद। और हो सके तो वीडियो को कर देना, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ऑलमोस्ट सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नए नए वह न्यूज़ नोटिफिकेशन वह सही नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लाते रहूंगा। धन्यवाद।